पर प्रदेश में आज और कल आंधी पानी की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आगरा, अलीगढ़, एटा, औरैया, हमीरपुर के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ, बाराबंकी, कौशाम्बी, कानपुर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, अयोध्या के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आंधी और बूंदाबांदी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, अयोध्या के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज और कल आंधी पानी को लेकर चेतावनी दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जिसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आगरा, अलीगढ़, एटा, औरैया, हमीरपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ, बाराबंकी, कौशाम्बी, कानपुर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सहारनपुर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। लियाकत, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, आंधी पानी को लेकर चेतावनी दी गई है। देखिए नन्नी, आपको मैं बता दूं, सहारनपुर में यानी परसों ओलावृष्टि हुई थी, और ओलावृष्टि इतनी हुई थी कि चार चार इंच जो ओले हैं खेतों में और सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। ये सहारनपुर के कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिससे किसानों की जो फसलें हैं पूरे तरीके से बर्बाद हो गई हैं। उसी के चलते अब मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, जिसमें प्रदेश के कई जगह ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है, जिसमें आगरा, अलीगढ़, एटा, औरैया, हमीरपुर के लिए अलर्ट किया गया है। इसके साथ लखनऊ, बाराबंकी, कौशाम्बी, कानपुर के लिए भी अलर्ट किया गया है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, अयोध्या के साथ भी अलर्ट किया गया है। इसमें कह सकते हैं कि मौसम पूरे तरीके से खराब होने के आसार हैं, और मौसम विभाग ने अलर्ट किया है जो जनपद हमने आपको बताए हैं अभी, उसमें कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में परसों भी बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिससे जो फसलें पूरे तरीके से बर्बाद होती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ कहें कि मौसम कल और आज पूरे तरीके से साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ठंडी और बर्फीली हवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। धूप निकलने से भी लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, पूरे तरीके से ठिठुरन बनी हुई है। और जिस तरीके से कहें कि शिमला की तर्ज पर जैसे सहारनपुर में ओलावृष्टि हुई थी, बताया जाता है कि मौसम विभाग पूरे तरीके से अभी भी अलर्ट पर है, आज और कल पूरे तरीके से अलर्ट रहेगा। अब कहा जा सकता है इसमें कि जो लोग हैं पूरे तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हैं, जो किसान है उनके लिए चिंता का विषय है कि ओलावृष्टि आगे भी बताई जा रही है। जो किसान की सरसों की फसल है वो पूरे तरीके से बर्बाद होती दिखाई दे रही है, जो गेहूं की फसल है उस पर भी खासा नुकसान देखने को मिल रहा है, जो अन्य फसलें हैं जैसे दालें हैं और सब्जियां हैं वो पूरे तरीके से चौपट हो गई है सहारनपुर में, क्योंकि ओलावृष्टि की जो हालत थी ये था कि जिस तरीके से शिमला में बर्फ पड़ती है उसी तरीके से सहारनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, जिससे लोगों को खासा नुकसान महसूस हो रहा है। जी, अलीगढ़ से संवाददाता सुंदर हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर, देखिए ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है, जैसा कि बताया जा रहा है कि देखिए किसानों के फसलों पर भी प्रभावित होगा। वहीं अगर कोहरे की कहर का अगर जार खत्म हुआ है तो अब आंधी पानी को लेकर चेतावनी दी गई है। जी नंदनी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा आज और कल दो दिन के लिए चेतावनी जारी की गई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां ओलावृष्टि और बारिश होने की संभावना है। दो दिन पहले बारिश हुई थी, जिसके बाद से मौसम ने करवट ली है, सर्दी लगातार जारी है, और उसके चलते चलते ओलावृष्टि और जो बारिश हो रही है उसके चलते किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। और बात करें मौसम की, तो मौसम आने वाले दो दिन तक लगातार ऐसे ही रहने की संभावना है, जिसकी वजह से सर्दी लगातार बढ़ रही है और आम जनमानस को इस सर्दी से दो चार होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, किसानों की कहें तो किसानों की जैसे फसल गेहूं की है या फिर आलू की फसल है, तमाम ऐसी फसलें हैं जो ओलावृष्टि के चलते बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिले ऐसे जैसे आगरा, अलीगढ़, एटा, औरैया, हमीरपुर में पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले दो दिन के अंदर यहाँ बारिश और ओलावृष्टि होने के ज्यादा आसार हैं, जिसकी वजह से किसानों को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जनपदों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर आपके जनपद में किसी प्रकार की ओलावृष्टि या बारिश होने की संभावना हो जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो तो उसका आकलन कर तुरंत इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजी जाए, जिससे जिन किसानों की
फसल बर्बाद हो उन्हें उसका मुआवजा दिया जा सके। जी नंदनी जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। खबर प्रयागराज से, जहां पर यूपी सरकार